स्टार्ट एक किंगडम से होता है जहां सब ओल्ड फैशन ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है, जिनके हिसाब से वो लोग वुमेन को ना कोई इम्पोर्टेंस देते हैं और ना ही उनकी सुनी जाती है। उसी किंगडम में एक विवियन नामी औरत रहती है जिसकी टू डॉटर्स हैं, मलवोलिया और नारिसा। उनकी एक एला नामी स्टेप सिस्टर भी है। एला के फादर की डेथ के बाद से विवियन एला को मेड की तरह ट्रीट करती है। एला का ख्वाब है कि वो एक बहुत बड़ी डिजाइनर बने, लेकिन इस फैमिली ऊपर से ऐसे किंगडम में रह के उसके लिए अपना ख्वाब पूरा करना थोड़ा मुश्किल काम है। एला सफाई करते एक लेडी बग को विंडो से उठा के बॉक्स में रख देती है, क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी है और सबकी हेल्प करना चाहती है। एला की इस दर्द भरी जिंदगी को बेहतर करने के लिए उसके 3 माउस फ्रेंड्स हैं, जिनसे बात करके एला अपने दिल को हल्का कर लेती है। विवियन हर वक्त एला के कामों में गलतियां ही निकालती रहती है और उसे कहती है कि अगर वो ऐसे ही करती रही तो कोई उससे शादी नहीं करेगा। तभी थॉमस नामी आदमी उनके घर आता है, जिसे देख के विवियन को कुछ होप होती है कि उसकी बेटियों को शादी के लिए एक अच्छा स्वेटर मिल सकता है। और वो एला से भी कहती है कि उसे जल्द ही अपने लिए कोई स्वेटर ढूंढना होगा, पर एला के तो प्लान ही कुछ और है। वो नीचे बेसमेंट में आके अपना बनाया हुआ एक ब्यूटीफुल ड्रेस पूरा करती है और इसी उम्मीद में होती है कि एक दिन वो अपनी खुद की शॉप खोल के कमाल डिजाइनर बनेगी। सीन्स प्रिंस रॉबर्ट पे शिफ्ट होते हैं, जिसे एक प्रिंसेस अपने किंगडम और प्रॉपर्टीज का लालच दे के शादी के लिए मना रही होती है, पर रॉबर्ट भी उसे शादी से मना कर देता है। यहाँ मार्केट में एक अनाउंसमेंट होती है जहाँ सब लोगों को कैसल आने का कहा जाता है ताकि वो सब सारी रॉयल फैमिली से मिल सके। विवियन अपनी डॉटर्स के साथ रेडी होके निकलने लगती है कि एला अपना बनाया हुआ ड्रेस लेके वहाँ आ जाती है। उसका सोचना था कि वहाँ सब लोग होंगे और वो अपना डिजाइन दिखा के लोगों को इम्प्रेस करके अपने करियर का पहला स्टेप लेगी, पर विवियन उसे फौरन ऐसा करने से मना कर देती है। उसे लगता है कि एला के ऐसा करने से उनकी फैमिली की इंसल्ट की बात है, क्योंकि लड़कियों का काम बिजनेस करना नहीं बल्कि घर संभालना है। किंग को रॉबर्ट का ऐसे हर प्रिंसेस को शादी से इनकार करना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता। उसे लगता है कि रॉबर्ट बहुत इमेच्योर है और किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल नहीं है। क्वीन जब किंग को समझाने की ट्राई करती है तो वो उसे चुप करवा देता है। फिर क्वीन देखती है कि उसकी सीट किंग की सीट से छोटी है, जिस पर वो अनॉय हुए वहाँ से चली जाती है। किंग रॉबर्ट से कहता है कि अब टाइम है कि उसे शादी करके सेटल हो जाना चाहिए, तभी लोग रॉबर्ट को सीरियस लेके अपना किंग मानेंगे। रॉबर्ट का कहना है कि उसे कोई भी प्रिंसेस पसंद नहीं आई है और उसे जब तक प्यार नहीं होता वो शादी कैसे कर सकता है। पर किंग का कहना है कि एक किंग प्यार के लिए नहीं बल्कि पावर के लिए शादी करता है, और अगर रॉबर्ट ने अभी भी ये सब सीरियस ना लिया तो किंग क्राउन और कैसल उसकी सिस्टर ग्वेन के नाम कर देगा। किंग रॉबर्ट को बताता है कि उसने एक बॉल अरेंज किया है जिसमें रॉबर्ट अपने लिए ब्राइड सिलेक्ट करेगा। रॉबर्ट को ये आइडिया पसंद नहीं आता, पर किंग उसे ऑर्डर करता है कि उसे ये करना होगा। रॉबर्ट की सुई अभी भी यही अटकी होती है कि उसे जब तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिल जाती जिससे रॉबर्ट को प्यार ना हो जाए वो शादी नहीं करेगा। और फिर मिलती है उसे वो लड़की यानी एला। जब सारी रॉयल फैमिली किंगडम के सामने आती है, एला को पीछे से कुछ नजर नहीं आता, जिस पर वो किंग के डैड के स्टैचू पर चढ़ जाती है। किंग को ये देख एला पे बहुत गुस्सा आता है और वो एला को नीचे उतरने को कहता है। एला वहाँ डरे बगैर किंग को समझाने की ट्राई करती है कि वो स्टैचू पे क्यों चढ़ी, जो देख रॉबर्ट को उसका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आता है। इस पर रॉबर्ट किंग के पास आके शर्त रखता है कि वो बॉल पे जाके अपने लिए लड़की ढूंढेगा, पर किंग को बॉल पे किंगडम की हर लड़की को इनवाइट करना होगा, फिर चाहे वो किसी भी क्लास से क्यों ना हो। अब रॉबर्ट किंग का इकलौता बेटा है और किंग को क्राउन उसी को पास करना है, ना कि अपनी डॉटर ग्वेन को, इसलिए वो ये शर्त मान जाता है। इस चीज को इग्नोर करते हुए कि ग्वेन कितना डेस्परेटली किंगडम का होल्ड चाहती है, इसके बाद रॉबर्ट एला को ढूंढने रूप बदल के किंगडम में निकल जाता है ताकि ये मेक श्योर कर सके कि एला बॉल पे आए। यहाँ एला अपना बनाया हुआ ड्रेस लिए मार्केट के लिए निकल जाती है। विवियन अपनी डॉटर्स को घर के काम सिखाते हुए नजर आती है और उन्हें
समझाती है कि उन्हें मटेरियलिस्टिक होने की जरूरत है, क्योंकि प्यार और रोमांस में कुछ नहीं रखा है। लड़के को अमीर होने की जरूरत है, तभी जिंदगी अच्छे से गुजर सकती है। मार्केट में जाके एला जब ड्रेस सेल करने की ट्राई करती है, तो पहले तो लोगों को लगता है कि ये उसने चोरी किया है। फिर जब वो इस बात को क्लियर करके सेल करने लगती है, तभी कोई उसे सीरियस नहीं लेता, क्योंकि जैसे पहले बताया गया है कि इस किंगडम में बिजनेस के अंदर वुमेन का कोई काम नहीं है। सब एला का मजाक उड़ा रहे होते हैं, तभी रॉबर्ट वहाँ आ जाता है। एला उसे स्ट्रेंजर समझ के बात करने लगती है और कहती है कि किंगडम के रूल बहुत गलत है, वुमेन को भी बिजनेस करने की इजाजत होनी चाहिए, वो भी अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहती है। एला की बातों से इम्प्रेस होते हुए रॉबर्ट उसकी बताई प्राइस का ट्रिपल देके उससे ड्रेस बाय कर लेता है। तभी वहाँ किंग के लोग आके अनाउंसमेंट करते हैं कि बॉल पे प्रिंस अपने लिए वाइफ सिलेक्ट करेगा और इस बॉल पे किंगडम की सब लड़कियाँ इन्वाइटेड है, जिस सुनके एला को बहुत हंसी आती है कि ये एक फूलिश आइडिया है, कैसे एक बॉल पे मिलके जिंदगी का फैसला हो सकता है। वो रॉबर्ट के सामने ही उसका मजाक उड़ाने लगती है। रॉबर्ट इस सब को इग्नोर करते हुए उसे बॉल पे आने का कहता है। वो एला को लालच देता है कि वहाँ सब लोग होंगे और एला अपने आइडियाज उनके आगे रख के सबकी थिंकिंग बदल सकती है। रॉबर्ट कहता है कि वो बहुत ही बड़े लोगों को जानता है, वो वहाँ उसे उन सब से इंट्रोड्यूस करवा सकता है। ये सुन के एला बॉल पे आने के लिए मान जाती है। फिर एला रॉबर्ट के दिए हुए पैसों से सबसे अच्छा फैब्रिक बाय करके अपने लिए बॉल पे पहनने का ड्रेस बनाने लग जाती है, ताकि वहाँ लोगों को इम्प्रेस कर सके। अब यहाँ हमें सबकी लाइफ की स्ट्रगल्स दिखाई जाती है। एला अपना ड्रेस बनाने में लगी होती है, रॉबर्ट अभी भी अपने फादर के प्रेशर में है, ग्वेन किंगडम का होल्ड नहीं ले पाती। विवियन अपने डॉटर्स को एक परफेक्ट वुमेन बनाना चाहती है, ताकि उन्हें अच्छे सूटर्स मिल सके। क्वीन भी किंग की तरफ से मिलने वाली इनइक्वालिटी से खुश नजर नहीं आती है। इन सब की लाइफ इन्हें कहाँ ले जाने वाली है, ये तो हमें एंड पे ही पता चलेगा। विवियन और उसकी डॉटर्स बॉल के लिए रेडी हुए अपने ख्वाबों में गुम होती है कि अगर उनमें से एक प्रिंसेस बन गई तो इन सब की जिंदगी बदल जाएगी। तभी उनके ख्वाबों को चकनाचूर करने के लिए एला वहाँ पे अपना बनाया हुआ ब्यूटीफुल ड्रेस में पहुँच जाती है, जिसे देख विवियन उसे कहती है कि वो बॉल पे नहीं जा सकती, क्योंकि बॉल पे सिर्फ सिंगल लड़कियाँ ही इनवाइटेड है। और विवियन ने एला की बात थॉमस से पक्की कर दी है। जब एला इस बात पर प्रोटेस्ट करने की कोशिश करती है, तो गुस्से में विवियन उसका ड्रेस खराब कर देती है और उसके इंसल्ट करते हुए बेसमेंट में भेज देती है। यहाँ हम देखते हैं कि एला ने स्टार्टिंग सीन्स में जिस लेडी बग की जान बचाई थी, वो एक बटरफ्लाई में बदल के उड़ने लगी है। फिर एला के पास आके वो एक फेरी गॉड मदर में बदल जाती है, जो उसकी जान बचाने की वजह से अब एला की हेल्प करना चाहती है। फेरी गॉड मदर एला का बनाया हुआ बेस्ट डिजाइन यूज करते हुए एला का ड्रेस चेंज करती है, जो कि एक बहुत ही मैजिकल मोमेंट होता है। फिर एला को ग्लास शूज देती है, एला के माउस को उसके फुटमैन में बदल देती है और उनके साथ कैसल जाने को कहती है। साथ ही वो एला पे मैजिक भी कर देती है, ताकि उसे कोई पहचान न सके और वो अपनी स्टेप मदर के गुस्से से बच सके। फेरी गॉड मदर एला को बताती है कि ये मैजिक सिर्फ और सिर्फ 12 बजे तक ही रहेगा, उसके बाद एला अपनी असली हालत में आ जाएगी और सब उसे पहचानने भी लग जाएंगे। यहाँ जब रॉबर्ट बॉल पे पहुँचता है, तो सब लड़कियाँ उसे इम्प्रेस करने में लग जाती है। हर लड़की अपने वे में उसे इम्प्रेस करने की ट्राई करती है, पर रॉबर्ट को उनमें से एक में भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस किसी तरह उन सब से जान छुड़वाना चाहता था, उसे तो बस एक लड़की का इंतजार था और वो एला थी, जो अभी भी उसे बॉल में कहीं नजर नहीं आ रही थी। यहाँ एला बॉल में पहुँच के अपनी स्टेप मदर से टकरा जाती है, जो उसे पहचान ही नहीं पाती, बस उसके शूज की तारीफ करते वहाँ से चली जाती है। फिर एला एक टैटियाना नामी क्वीन से मिलती है, जिससे एला का ड्रेस बहुत पसंद आता है। जब उसे पता चलता है कि ये एला ने डिजाइन किया है, तो वो एला को अपने और डिजाइन के साथ उसे कल 4 बजे मिलने का कहती है। एला इस सब से बहुत खुश हो जाती है।
होती है कि तभी उसकी नजर रॉबर्ट पर पड़ती है और एला पे रिवील होता है कि रॉबर्ट कोई आम लड़का नहीं बल्कि एक प्रिंस है। एला तो सबसे नजरें चुरा के वहाँ से निकलने की करती है, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि हीरो अपनी हीरोइन को ऐसे ही जाने दे। रॉबर्ट उसे देख लेता है और फौरन उसके पास पहुँचता है। वो एला को जाने से रोकता है और दिखाते हैं कि उसका बनाया हुआ ड्रेस ग्वेन यानी उनकी प्रिंसेस ने पहना है। एला ये देख बहुत प्राउड फील करती है। फिर इस मौके का फायदा उठा के रॉबर्ट एला को उसके साथ डांस करने का कहता है। दोनों एक बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल सा डांस करते हैं। सब बस उन्हें देखते ही रह जाते हैं क्योंकि दोनों एक साथ बहुत ज्यादा परफेक्ट लग रहे होते हैं। डांस के बाद रॉबर्ट एला के साथ अकेले टाइम गुजारने उसे वहाँ से ले जाता है। सबसे दूर आके रॉबर्ट एला को प्रपोज करता है, लेकिन इसमें एला के करियर की बात कहीं नहीं होती, जिस पर एला अपने दिल पे पत्थर रखते हुए रॉबर्ट से कहती है कि अगर उसे अपने करियर और रॉबर्ट में से किसी एक को चुनना होगा तो वो अपने करियर को चुनेगी। रॉबर्ट का भी बचपन से किंग बनने का ख्वाब था, इसलिए वो एला के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं होता, न अपने रूल्स बदलने को। ये देख दोनों एक दूसरे की सिचुएशन समझते हुए प्यार होने के बाद भी अपने रास्ते अलग करने का फैसला करते हैं। एला वहाँ से जाने ही लगती है, पर उसे जाया नहीं जाता और वो वापस आके रॉबर्ट को हग करती है। दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि 12 बज जाते हैं और एला किस किए बगैर ही वहाँ से निकलने के लिए भागने लगती है। पार्टी में वापस आके सब उसको घेर लेते हैं। ये देखते हुए रॉबर्ट वजह जाने बगैर उसके निकलने में उसकी हेल्प करता है। किंग एला की आइडेंटिटी जानने के लिए रॉबर्ट के फ्रेंड को एला के पीछे भेजता है, जिसे एला अपने शू फेंक के डिस्ट्रैक्ट करती वहाँ से भाग जाती है। पर रस्ते में मैजिक खत्म होने की वजह से सब वापस अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है, सिवाय उस शू के। एला उसे लिए चलते हुए ही घर जाती है। यहाँ किंग रॉबर्ट के दिल टूटने की बिल्कुल परवाह नहीं करता, बल्कि वो तो किसी की भी फीलिंग्स की परवाह नहीं करता, ना अपने बच्चे और ना ही क्वीन। उसे परवाह है तो बस इस बात की कि कैसे वो अपने किंगडम को बढ़ा सकता है और रॉबर्ट को अपने बाद एक अच्छा किंग बना सकता है। जिस पर वो फैसला करता है कि रॉबर्ट अब उसकी बताई हुई लड़की से शादी करेगा। रॉबर्ट भी किंग बनने के लिए उसकी बात मान लेता है और फिर सब किंग के एरोगेंट बिहेवियर से डिसहार्ट हुए वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद रॉबर्ट का फ्रेंड किंग को आके एला का शूज देता है। विवियन घर आके एला के रूम में आने लगती है, जिस पर एला शू छुपा के बेड पे लेट जाती है। अजीब बात ये होती है कि विवियन वहाँ आके एला को डांटने के बजाय उसे अपने दिल का हाल शेयर करती है। विवियन उसे बताती है कि एक टाइम पे वो भी एला की तरह बहुत पैशनेट थी। उसे पियानो बजाने का बहुत शौक था। उसे बेस्ट म्यूजिक स्कूल से पियानो सीखने की ऑफर मिली, जिसे उसने एक्सेप्ट कर लिया। मगर जब वो वापस घर आई तो उसके हस्बैंड ने उसे डिवोर्स देके दो बेटियों के साथ घर से निकाल दिया, ये कहते हुए कि किसी अच्छी हाउसवाइफ के काम नहीं है। यही वजह है कि वो एला और अपनी डॉटर्स को सिर्फ हाउसहोल्ड ही सिखाती है और कुछ नहीं। जब विवियन ये सब बता के वहाँ से जाने लगती है तो उसे एला का शो नजर आ जाता है, जो देख वो समझ जाती है बॉल में वो मिस्टीरियस गर्ल और कोई नहीं बल्कि एला थी। इस बार फिर विवियन हमें शॉक में डाल देती है। बजाय वो विलन बनने की एला से रिक्वेस्ट करने लगती है कि अगर प्रिंस उससे शादी करना चाहता है तो वो प्रिंस को हाँ कर दे, उसके ऐसा करने से उन सब की जिंदगी बदल जाएगी। जब एला उसे सारी सिचुएशन बताती है और ये भी कि उसने प्रिंस को ना कर दी है, तब विवियन को गुस्सा आता है और वो एला से कहती है कल वो एला की शादी थॉमस से कर देगी। किंग क्वीन के पास आता है क्योंकि वो उसकी हरकत से नाराज होके उससे बात नहीं कर रही थी। वहाँ क्वीन किंग से कहती है कि जब से वो किंग बना है वो बदल गया है। ये उनका रिलेशन है जो रॉबर्ट को प्यार पे यकीन नहीं करने देता, जिस पर किंग कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। पर क्वीन उसे टोकते हुए कहती है कि ऐसा तब तक था जब वो किंग नहीं बना था, पर अब उसे बस अपने किंगडम और पावर से मतलब है, इसलिए वो क्वीन से प्यार तो क्या उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता और ना ही उसे क्वीन के ओपिनियन से कोई मतलब है। क्वीन को तो बस किंग के साथ एक प्रॉप की तरह स्माइल करके उसे फॉलो करना है। विवियन और थॉमस एला को शादी के लिए ले जाते हैं। यहाँ किंग क्वीन की
बातों से शर्मिंदा होके अपनी आंखें खोल लेता है और अपने बेटे को वो शू देते हुए उसका सच्चा प्यार ढूंढने को कहता है। फिर चाहे वो किसी भी क्लास से क्यों ना हो, किंग के लोग अनाउंसमेंट कर देते हैं कि रॉबर्ट चू के साथ अपनी प्रिंसेस और ट्रू लव ढूंढने टाउन में आ रहा है। रॉबर्ट हर गली और कूचे में जाता है पर उसे एला कहीं नहीं मिलती। आखिर में उसे मार्केट का ख्याल आता है। दूसरी तरफ एला अपने माउस फ्रेंड्स की मदद से कार ड्राइव को इम्बैलेंस करते सबको डिस्ट्रैक्ट करती है और कार्ट से कूद के मार्केट में क्वीन से मिलने निकल जाती है। रॉबर्ट और एला दोनों मार्केट जाने के रास्ते में मिलते हैं, जहां रॉबर्ट एला से कहता है कि वो उसके लिए सब छोड़ आया है और उसे उसके ड्रीम्स फॉलो करने में हेल्प करेगा, क्योंकि वो समझ गया है प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है। दोनों किस करते हैं और फिर क्वीन टैटियाना से मिलते हैं, जो एला के डिजाइन अप्रूव करते हुए उसे अपने साथ ट्रैवल करने को कहती है। किंग वापस अपनी टीनेज की यादें ताज़ा करते हुए क्वीन को मनाने के लिए बिल्कुल वैसे ही सिंगिंग करता है जैसे वो पहले करता था। रॉबर्ट अपनी फैमिली को आके बता देता है कि वो एला के साथ ट्रैवल करना चाहता है और तब तक वो किंगडम ग्वेन के हवाले करना चाहता है। फिर सारे किंगडम को उनकी न्यू किंग और रॉबर्ट की वाइफ देखने को मिलती है, जिसके बाद वो सब सेलिब्रेशन करते हैं और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।